हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं द वॉइस इंडिया 2021 ऑडिशन के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिल से हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। आप सभी का परिवार सब खुशहाल रहे इस 2021 के अंदर। तो गाइस, द वॉइस इंडिया 2021 के जो ऑडिशंस हैं, रजिस्ट्रेशन हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था राइजिंग स्टार, इसी तरह से एक नया शो वॉइस इंडिया आपको 2021 में देखने को मिलेगा। हालांकि वॉइस इंडिया का एक शो पहले भी आ गया था, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानेंगे और जानेंगे क्या आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब इसकी डेट आने वाली है, वो भी गाइस हम जानने की कोशिश करेंगे। द वॉइस इंडिया इज द वन मोस्ट बिगेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो इन द इंडियन टेलीविजन सिंगिंग लिस्ट। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस अपकमिंग सिंगिंग शो के अंदर जाना चाहते हैं। तो गाइस, ये शो जो टेलीकास्ट होता है, मोस्टली जो चैनल है वो स्टार प्लस के ऊपर आपको ये शो देखने को मिलेगा। जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस शो के अंदर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को पूरी देखना और मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि भाई कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। क्योंकि एक वीडियो में आपको थ्योरेटिकली बताता हूं और दूसरी वीडियो में हम जानते हैं कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद बात करते हैं ऑडिशन वीडियो कैसे देनी है, ये सभी जानकारी हम आपको अपने ही चैनल पे देते हैं। तो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली अपडेट भी आपको पता चलती रहे। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, डांसिंग या फिर आप एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो गाइज, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। गोल्डन चांस टू बी पार्ट ऑफ द शो एंड द रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ, द ऑडिशंस एंड द शो विल बी सिंगिंग टैलेंटेड। तो चलिए गाइज, बात करते हैं आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है। पार्टिसिपेट कैन डायरेक्टली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द शो एंड क्लिक द रजिस्ट्रेशन बटन। अभी तो हम यही बात कर रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको उसको क्लिक करना है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी वीडियो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती हैं। बट हाँ, रुकिए, अभी आप उस वेबसाइट पे जाकर नहीं रजिस्ट्रेशन कर सकते क्योंकि उसकी अभी एक्चुअल अनाउंसमेंट नहीं आई है। जिस दिन अनाउंसमेंट आएगी मैं आपको डेफिनेटली जरूर बताऊंगा। बट उससे पहले प्रिपरेशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब अनाउंसमेंट आती है तो लोगों की नजर सिर्फ उसी शो पे रहती है और जिस दिन रजिस्ट्रेशन निकलता है उस दिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा लोग होने की वजह से आपका फॉर्म सही से नहीं भर पाएगा। तो आपको फॉर्म कैसे पता चलेगा? तो एक तो हमारे चैनल से आपको ये जो फॉर्म है वो पता चलेगा कि भाई कब निकल रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार विजिट करके देखिए, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका फॉर्म निकलता है, जैसे ही वॉइस इंडिया का फॉर्म निकलता है, तो आपको तुरंत उसके विद इन 2 या 3 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो गाइज आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं भरा जाएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाएगा और कोई ना कोई एरर वाली प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जितने भी फर्स्ट डे सेकेंड डे में फॉर्म फिल कर लेते हैं उन्हीं का ही डेफिनेटली सिलेक्शन भी होता है, उन्हीं को ही बुलाया जाता है आगे। बाकी तो सब जो बीच में जो फॉर्म फिल करते हैं उनका किसी का भरा नहीं जाता। किसी में साइट प्रॉब्लम, किसी में एरर प्रॉब्लम, किसी में कोई प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ती हैं। तो गाइज, अगर आपको ऐसे शोज के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फर्स्ट मूव आपको ही खेलना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं। मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन बटन पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है भाई कैसे फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म के अंदर क्या फिल करना है, आईडी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, एज प्रूफ जो भी आपकी एज है, ईमेल आईडी, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म के अंदर डालनी होती है। उसके बाद आपको एक वीडियो बनानी है। एक वीडियो का सबसे बड़ा मैटर आता है। बहुत से लोग पूछते हैं यार वीडियो कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, कौन से सॉन्ग पे गाना गाएं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको नेचुरली वीडियो बनानी है और जितने भी सिंगिंग शो हैं, जितने भी मैंने सिंगिंग शो देखे हैं, जितने भी ऑडिशंस दिए हुए हैं लोगों ने, उसमें मोस्टली जो सिलेक्ट होते हैं वो वही सिंगर्स होते हैं जिनका कोई भी वॉइस ओवर नहीं होता, ना ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और ना ही कोई अदर म्यूजिक या कोई ट्यून होती है। तो आपको सिंपली जो आपकी नेचुरल वॉइस है उससे आपको लगाना है। बहुत से लोग ईको लगा के वीडियो सेंड कर देते हैं, फिल्टर लगा के वीडियो सेंड कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। वो आपके शक्ल से नहीं, वो आपकी आवाज से आपको बुलाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सिंगिंग टैलेंटेड रियलिटी शोज के अंदर। तो खासकर फाइनली एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको जो कॉन्टेक्ट टीम होती है, जो मेकर टीम होती है या फिर शॉर्टलिस्ट करने वाली टीम होती है, वो आपको कॉन्टेक्ट करती है और आपको ऑडिशन के लिए जो भी लोकेशन
एप्लीकेशन होगी या फिर ऑनलाइन होंगे, जो भी तरीका होगा, जो भी उनका मेथड होगा 2021 का, वो आपको बताया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस गाइज हम आपको बताएंगे, आप अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि अक्सर आप फॉर्म को फिल करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो ये सारी गलतियों से बचने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि हम आपको हर एक वो तरीका बताएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलता हूँ मैं किसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, पर जाते जाते मैं आपको ये बात जरूर बता देना चाहता हूँ कि वॉइस इंडिया शो जल्दी आपको आने वाला है, इसके भी रजिस्ट्रेशन आपको फरवरी में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, किसी भी तरह की जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मिलता हूँ मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।